Now, I will teach you the next new topic, propagation of sound wave. Sound is produced by vibrating object. जैसा आप जानते हैं कि vibrating object है, वो sound को produce करता है. It moves through a medium. और ये क्या करता है? Moves करता है medium में, from the point of generation to the listener ear. जहाँ से ये क्रिएट होता है और कहाँ तक, लिसनर के ईयर तक पहुँचता है. ठीक है, मूव्स करती है ये साउंड. द मीडियम क्या है? मीडियम वो है थ्रू विच साउंड इज प्रोपगेट. मीडियम वह चीज़ होती है, या मीडियम वो है जिसमें साउंड क्या करती है, प्रोपगेट करती है, ट्रैवल करती है. तो कैन बी ए सॉलिड, तो मीडियम कैन बी सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, और हाँ गैस भी हो सकता है. However, sound energy cannot travel through vacuum. जबकि sound energy क्या है? Sound energy cannot travel through the vacuum. Vacuum में ये travel नहीं कर सकता है, क्योंकि without the presence of material medium, without material medium की presence में ये travel नहीं कर सकता है. An experiment to demonstrate the sound need a material medium for its propagation and cannot travel through the vacuum. अब इसके लिए हम एक experiment है वो करते हैं, जिसमें साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, और कैन नॉट ट्रैवल थ्रू द वैक्यूम, वो वैक्यूम में साउंड, जो वैक्यूम है उसमें साउंड ट्रैवल नहीं कर सकती है. टेक ए एयर टाइट बेल जार. सपोज दैट हम ये एयर टाइट बेल जार लेते हैं, ये कोई जायर है, इसमें एयर टाइट है. ठीक है, और एन इलेक्ट्रिक बेल, ये है इलेक्ट्रिक बेल इनसाइड द बेल जार. और इस बेल जार के अंदर में हम क्या लेते हैं, इलेक्ट्रिक बेल लेते हैं, जैसा कि इस फिगर में देखा गया है. इलेक्ट्रिक बेल को हम कनेक्ट करते हैं थ्रू द बैटरी और स्विच के थ्रू. ठीक है, आउटसाइड में. और द बेल जार इज कनेक्टेड टू ए वैक्यूम पंप. और ये बेल जो जार है, उस बेल जार को हम कनेक्ट करते हैं वैक्यूम पंप से, स्विच ऑन द बेल. अगर हम इस स्विच को क्या करते हैं, इस स्विच को कनेक्ट करते हैं, स्विच ऑन द बेल, तो वी आर एबल टू हियर द साउंड प्रोड्यूस बाई द बेल. जैसे ही आप स्विच को इसे ऑन करेंगे, तो आप इस इलेक्ट्रिक बेल से क्या करेंगे, साउंड जो प्रोड्यूस होगी, ठीक है, उसे आप सुन सकते हैं. लेकिन सुनने के लिए आपके लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट जरूर होनी चाहिए. ठीक है, नाउ स्टार्ट ए वैक्यूम पंप. अब हम क्या करते हैं, स्टार्ट वैक्यूम पंप को स्टार्ट कर देते हैं. एज द एयर फ्रॉम द बेल जार इज पंप्ड आउट Gradually, the sound produced by electric bell becomes fainter, although the same electric current is flowing through the bell. ठीक है, after some time, when very less air is left inside the bell jar, तो we hear a very feeble sound. अगर इससे बहुत कम एयर बाहर निकलती है, ठीक है, बहुत कम एयर अगर बाहर निकलती है, तो साउंड उतनी ही स्लो हो जाएगी, feeble sound. ठीक है, अगर इससे ज़्यादा एयर निकलेगी तो हम ज़्यादा साउंड को सुन सकते हैं. इफ़ द एयर इज कम्प्लीटली रिमूव्ड फ्रॉम द बेल जार, अगर इस बेल जार से हम एयर को कम्प्लीटली रिमूव कर दें, देन वी आर नॉट एबल टू हियर द साउंड ऑफ द बेल. तो हम इसमें जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है इलेक्ट्रिक बेल के थ्रू, ठीक है, उसको हम कैपेबल नहीं हो सकते सुनने के लिए. ठीक है, डिसकनेक्टिंग द वैक्यूम पंप, जैसे ही हम वैक्यूम पंप को डिसकनेक्ट कर दें, एंड लेट द एयर इंटर द बेल जार, और बेल जार में एयर एंटर करता है, तो वी आर एबल टू लिसन द साउंड ऑफ बेल अगेन. तो हम अगेन उस इलेक्ट्रिक बेल से जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है उसको सुन सकते हैं. अगर आप इसमें वैक्यूम क्रिएट कर देंगे, तो साउंड को हम नेवर लिसन, कभी नहीं सुन सकते. क्यों? क्योंकि जो साउंड है वो ट्रैवल करती है किसी मीडियम में, और यहाँ मीडियम क्या था, एयर. अगर हम एयर को वैक्यूम पंप से क्या कर दें, आउट कर दें फ्रॉम द इस बेल जार से, तो हमें साउंड लिसन नहीं होती है. ठीक है, तो दिस प्रूव दैट द साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम एंड इट रिक्वायर ए मटेरियल मीडियम एयर इन दिस एक्सपेरिमेंट फॉर इट्स प्रोपागेशन. ठीक है, दैट्स इनफ.